वेलकम बैक टू तरुण एक्वाटिक्स। तो आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ गाइज मेरे कम्युनिटी फिश टैंक का पानी चेंज करके। तो देख सकते हैं गाइज कि ये कैसा मटमेला सा दिख रहा है गाइज। तो आप लोगों के लिए तो ये अभी भी मेरे को लगता है कई लोग बोलेंगे क्लीन जैसा है। तो गाइज आप देख सकते हैं ये अभी ब्लर ब्लर सा दिख रहा है। मतलब मैंने अभी काफ़ी वीडियो भी बनाई है कि गाइज पानी जो है कि अगर आपको थोड़ा सा भी दिखे तो गाइज आप चेंज करें, क्योंकि कम्युनिटी फिश का पानी है और इसमें क्या है गाइज गोल्ड फिश रहती हैं और उससे भी ज़्यादा क्या गाइज एंजल फिश रहती है। तो गाइज मैंने पहले भी बताया है और अभी फिर से बता दे रहा हूँ कि जो एंजल फिश होती हैं गाइज वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। अगर थोड़ा सा भी पानी फ्लक्चुएट होता है और या फिर पीएच गड़बड़ होता है या कुछ होता है या फूड बेकार देते हैं या फिर ज़्यादा फूड दे देते हैं तो गाइज फिश की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो गाइज मैंने अपनी फिशेस को फूड दिया है और मैं आपको दिखाता हूँ कि पानी कैसे चेंज करते हैं गाइज और क्या उसकी प्रोसेस होती है सारी चीज़ें। तो गाइज देखिए मैंने इनको पहले फूड दे दिया है, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम बाद में फूड देते हैं ना तो फिर से वो थोड़ा गंदा सा हो जाता है। तो मैंने कहा इसको इनको पहले फूड दे देता हूँ और इसके बाद पानी एक्सचेंज करता हूँ। तो चलिए गाइज बिना समय गवाए हम लोग करते हैं प्रोसेस स्टार्ट। तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये है मेरा प्यारा प्यारा कम्युनिटी फिश टैंक और इसमें देखिए गाइज कितनी सारी मतलब ये सारी फिशेस हैं। और आप इसका पानी देख सकते हैं गाइस कैसा येलो येलो सा हो गया है, तो मुझे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। और आप ये देखिए गाइस कि फिशेस भी ऊपर स्विम कर रही हैं, हालांकि मैंने फूड डाला है। पर इसका कारण ये रहता है गाइस कि अगर जैसे पानी गंदा होता है और फ्लक्चुएशन होता है तो उसमें क्या है अमोनिया ज़्यादा बिल्ड होती है, और अमोनिया बिल्ड होती है तो ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कम होने लगता है, जिससे कि फिशेस मरने वाली होती हैं। तो गाइज मैंने अभी इसी की वीडियो बनाई थी और बताया था कि कैसे पानी कैसे कब पानी चेंज करना है, पर आज मैं बताने वाला हूँ कि पानी चेंज करने का सही तरीका क्या होता है। तो चलिए गाइज बताता हूँ मैं उस चीज़ को। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको मेरी इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। तो चलिए गाइज बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं हमें पानी एक्सचेंज करने। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले गाइस मैंने क्या किया है, गाइस ये देख सकते हैं आप, मैंने लिया है साइपन 5 और एक वॉकेट ली है खाली। तो अब मैं इसको इंटर कराऊंगा, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं इसका पानी एक्सचेंज कर रहा हूँ। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस ये मैंने साइपन 5 ले लिया है और ये मैंने अपने टैंक का ढक्कन ओपन किया और मैं डालने वाला हूँ गाइस। और सबसे पहले देखिए आप, मैंने फिल्टर बंद कर दिया है, क्योंकि फिल्टर से क्या होता है गाइस, फिल्टर अगर हमारा चलता रहेगा तो उससे हमारा पंप खराब हो सकता है। और तो चलिए गाइस बिना समय गवाए हम लोग करते हैं हमारी पानी क्लीनिंग। तो देख सकते हैं गाइस ये साइपन पाइप है, तो मैं इसमें से इसमें पानी डालूंगा। तो ये देखिए गाइस पानी आ रहा है इसमें, ये देखिए आप। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए ये ग्रीन कलर का ये ऐसा होता है, और इससे गाइस मैं कांच को मेरा ऐसे साफ करता हूँ, ये देखिए गाइस इस टाइप से। तो आज चूंकि सैटरडे है और मेरे पास टाइम भी है, और टाइम हो जाए नहीं हो गाइस इसके लिए हमको निकालना पड़ता है, क्योंकि ये एक टाइप की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये कोई मजाक नहीं है कि हमने बस ले आया है और रख दिया है, तो ऐसे काम तो बिल्कुल चलता नहीं है। अगर आपके पास ऐसा समय नहीं हो या आप बहुत ज़्यादा बिजी इंसान है या आप आपकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे सकते तो आप कोई भी पेट्स ना पालें। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये फिल्टर है और इसको साफ करते हैं, और ये टैंक का पानी है और इसी से देखिए गाइस ये वॉश किया है, ये वॉश करते हैं गाइस ये देखिए इस टाइप से। तो बस यही है गाइस, उसको दूसरे पानी से नहीं करते हैं वरना इसमें जो बेनिफिशियली बैक्टीरिया होते हैं वो जो है उनकी डेथ हो जाती है, जो कि फिशेज भी मरने लगती है फिर। चलिए गाइस हाँ, तो गाइस देख सकते हैं आप, मैंने फाइनली साफ कर लिया है और मैं अब इसको भरने जा रहा हूँ। ये देखिए गाइस ये पाइप है और इससे मेरा टैंक भरा रहा है। और ठीक है गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ने मेरी वीडियो जैसा कि आपने मेरी वीडियो में देखा होगा गाइस कि टैंक में जो है एंटी क्लोरीन डालते हैं, जिससे कि जो क्लोरीन की मात्रा होती है वो डिजोल्व हो जाती है। ये देखिए गाइस, ये देखिए आप, इससे क्या होता है एंटी क्लोरीन से होता है, जो क्लोरीन होता है उसका असर इन पे नहीं होता, क्योंकि क्लोरीन जो है वो फिश के लिए काफी हार्मफुल रहता है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइस आप फाइनली देख सकते हैं कि मैंने इसको क्लीन कर चुका हूं पूरा, और आप देखिए गाइस अब भी जस्ट फिल्टर चालू किया कितना ज्यादा क्लीन हो चुका है गाइस, और कितना प्यारा व्यू दिख रहा है। आप इसको देखिए गाइस, एक एक फिश जो है वो कितनी प्यारी दिख रही है गाइस, देख सकते हैं गाइस आप, ये देखिए कलर देखिए गाइस फिशेस के, एक एक के बिल्कुल वैसे दिख रहे हैं। तो गाइस आपके लिए ये वीडियो महज 5 मिनट की होगी, बट गाइस इस वीडियो को बनाने में मुझे 3 घंटे लगे हैं। 3 घंटे की मेहनत के बाद आपको दिख रहा है, और अभी थोड़ा और क्लीन हो जाएगा। तो मैं आपको अभी फिर से व्यू दिखा रहा हूँ इसका, थोड़ा फिल्टर मैंने जस्ट अभी चालू किया है गाइस। तो मिलते हैं कुछ टाइम के बाद।
तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ व्यू इस टाइप का हो चुका है अभी, और अभी तो काफ़ी क्लीन होना बाकी है। अभी तो देखिए गाइस अभी ये ब्लर ब्लर सा हल्का सा दिख रहा है, और सोचिए आप अभी इतना क्लीन दिख रहा है और जब पूरा क्लीन हो जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ गाइस आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको मेरी इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। तो गाइस इसी तरह से आप भी आपके फेसेस का ध्यान रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।